आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो हियर इज द क्वेश्चन इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, कोई डायगोनल है स्क्वायर का, वो 10 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो स्क्वायर की सबसे पहले बात हो रही है। पहले स्क्वायर का आपको डायगोनल दिया हुआ है, दूसरे वाले का आपसे कह रहा है कि जो उसका एरिया है वो पहले वाले का दो गुना है। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फॉर फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी हम सेकेंड स्क्वायर की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम खाली फर्स्ट स्क्वायर से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। देखिए फर्स्ट स्क्वायर के लिए आपको दिया गया है डायगोनल कितना है, इसका डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर। और डायगोनल होता है क्या, डायगोनल आपका होता है a रूट टू। अगर मैंने उसको साइड सपोज कर लिया, मान लीजिए ये आपका मैंने बना लिया यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इसका आपका स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद अगर मैं उसका साइड सपोज कर लू a, ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसका डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल क्या हो जाता है आपका, डायगोनल हो जाएगा दिस साइड, ये जब हम ये दोनों को मैच करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा a रूट टू। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ a रूट टू, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मुझे a कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर। और मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहूँ इसी स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका होता है साइड स्क्वायर। मतलब आप कर सकते हैं 10/√2 का होल स्क्वायर। और देखिए मुझे यहाँ वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 100/2, दैट इज मुझे एरिया मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने पहले वाले स्क्वायर के बारे में आपसे बातें कर ली। अब मेरे से कह रहे हैं जो दूसरा स्क्वायर है उसका जो एरिया वो पहले वाले के डबल है, इसलिए मैंने इसका एरिया निकाला है। अब हम करेंगे कि फॉर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो सेकेंड वाला है आपका स्क्वायर उसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो देखिए कह रहा है जो एरिया है इसका, एरिया क्या है डबल है, टू टाइम्स है किसके वाले के, फर्स्ट वाले के एरिया के। तो कितना हो जाएगा 2 × 50, तो कितना आ गया मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने निकाला है सेकंड वाले स्क्वायर का एरिया। अब मुझे क्या करना है, जो सेकंड वाला स्क्वायर है मुझे उसी का यहाँ पे डायगोनल बताना है जो मुझसे पूछा गया था। तो ये बताइए, सिंस आपको यहाँ पे क्या पता चला कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इसका साइड मान लू, ओके, तो आपको ए की वैल्यू कितनी दिख गई 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब अगर आपको उसका डायगोनल बताना हो तो आप लिख सकते हो ना, सो जो इसका डायगोनल हो जाएगा वो क्या होता है, वो आपका होता है a रूट टू, दैट इज आप कह सकते हो इजिली यहाँ पे कितना आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपका दूसरा स्क्वायर था उसका जो आपको डायगोनल ऑप्टेन हो जाएगा वो हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 10√2। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।